है। और आइए अब बात एक ऐसे विषय की जो आपके हमारे हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी के सभी इसके दीवाने हैं। घर के अंदर, घर के बाहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात को हर वक्त हम बात कर रहे हैं सेल्फी की। हैव अ लुक। तो देखा आपने किस प्रकार सेल्फी लेना इज बिकमिंग अ लाइफस्टाइल। आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो रहा है, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हमारा बहुत सारा वक्त सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर गुजरता है, तब सेल्फीज लेना और उसके बाद उसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर स्नैपचैट पर पोस्ट करना, अपडेट करना, अपलोड करना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी बेशक हमारे लिए सुविधा है, लेकिन कब ये टेक्नोलॉजी, कब ये तकनीक हमारे लिए दुविधा बन जाती है, इस बात को पहचाना इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर श्री पी कुमार गुरु ने। उन्होंने अपनी एक रिसर्च रिसर्च जिसका शीर्षक था मी माई सेल्फ एंड माई किल्फी, क्या थी उनकी रिसर्च और क्या उसकी फाइंडिंग्स रही, क्या स्टैटिस्टिक्स सामने आए और क्या इस रिसर्च स्टडी से हमें सीखना और समझना चाहिए, खुद पी कुमार गुरु साहब बताएंगे। बहुत विनम्रता के साथ अभिनंदन करते हैं आज के हमारे इस इवनिंग लाइव शो में डॉक्टर पी कुमार गुरु, हु इज फ्रॉम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेलकम टू यू सर। कुमार गुरु सर, क्या है आपकी ये स्टडी, क्योंकि आपका आपका जैसे कि रिसर्च का टाइटल आता है मी माई सेल्फ एंड माई किल्फी, इज सेल्फी बिकमिंग किल्फी दीज डेज? So as you said, a lot of pictures are uploaded on social networks like Facebook and Twitter. And so when we started about July or August pichle saal, jab ek news article aaya tha ki ek bache 15 saal ke bache ne selfie lene ke samay train pe मर गए थे, पढ़े थे हम, तभी आई गॉट वेरी एक्साइटेड, इंटरेस्टेड इन एक्चुअली इंट्रीग्ड टू स्टडी दिस होल टॉपिक ऑफ सेल्फी बिकमिंग किल्फीज। मैं खुद बहुत सारा सेल्फीज लेता हूँ, सो तभी माय इंटरेस्ट ऑन स्टडीइंग दिस टॉपिक इंटरेस्ट आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। देन व्हाट हैपेंड लेटर वाज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट दिस टॉपिक और हाउ मच डेटा इज अवेलेबल, हाउ पीपल आर डाइंग अराउंड द वर्ल्ड, कुछ डेटा ही नहीं था, कुछ एम्पिरिकल डेटा ही नहीं मिला कि इस टॉपिक पे किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना डेथ्स हो रही है वगैरह सोच के। तभी वी स्टार्टेड, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग दिस टॉपिक। हमने पूरी वर्ल्ड की सब डेटा कलेक्ट करा। एज ऑफ टुडे, जब हमने रिपोर्ट लिखा था वो नवंबर 2016 में था, बट एज ऑफ टुडे 209 deaths have happened across the world because of taking selfies. Okay. And India is on the top, 120 plus deaths is from India. सबसे पहले नंबर पर भारत है जहां पर सेल्फी से होने वाली मृत्यु सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। And other statistics about this study that we found is generally females take more selfies. जी. This is statistics that others have also shown it. But male die more. Okay. That also statistics that we have seen about 70 plus deaths from the data that we saw was actually from males. And there are three or four main reasons why people die because of taking selfies. Locations jo bhi hota hai. Pehle to height hai.
फिर वाटर बॉडी है, फिर है ट्रेन. जी दीज थ्री पुट टुगेदर इज मोर देन 80% ऑफ द डेथ्स दैट हैज हैपेंड. जी, सेल्फी से होने वाली जो मृत्यु, उसका डेटा आपने कलेक्ट किया आपने रिसर्च में, कैसे कि क्या क्या तरीका अपनाया, ये डेटा कलेक्शन का क्या टेक्निक आपने इस्तेमाल हाँ, किया? सो पहले क्या था कि 1 जुलाई 2016 में जब ये एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, उसके बाद हम जाके और भी क्रॉल करके और भी डेटा डेथ्स ढूंढ रहे थे, तब कुछ नहीं जी मिला. तभी वी सेट अप दिस होल क्रॉलर विच इज टू फाइंड डेथ्स, सेल्फी डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड एवरी टाइम सच इंसिडेंट इज रिपोर्टेड इन अ न्यूज पेपर आर्टिकल, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश, वी एक्चुअली कलेक्ट इट. वी हैव नाउ सिस्टम्स टू कलेक्ट दिस डेटा एंड इट गेट्स नोटिफाइड टू अस. बट देन हमें ये भी समझ आया कि ये डेटा कलेक्ट करने के समय सम रूमर्स भी है. सम वेबसाइट्स ऐसे डालते हैं कि सेल्फी डेथ हो गया एक्चुअली, मगर डेथ नहीं हुआ. सो देन वी स्टार्ट, देन वी एडेड सम टेक्निक्स बाई विच अलेक्सा रैंकिंग ऑफ अ वेबसाइट बोलते हैं, जो कितना पॉपुलर है. जी ओनली वेन इट इज इन अ पॉपुलर वेबसाइट वी स्टार्टेड कलेक्टिंग दिस डेटा. नाउ वी हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर वेन देर इज अ सेल्फी डेथ्स रिपोर्टेड ऑन अ न्यूज पेपर आर्टिकल और इन मीडिया, वी गेट दैट एंड देन मैनुअली हम जाके चेक करते हैं. जी मैनुअली चेक करते हैं कि कहाँ पे हुआ, किस उम्र के बच्चे हैं, मेल वर्सेस फीमेल, क्या रीजंस है, ये सब हमने डेटा सेट जैसे कलेक्ट. एक्चुअली डेटा सेट को भी हमने पब्लिक कर दिया जी सो दैट अदर्स भी यूज कर सकते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर्स हु हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर दिस डेटा सेइंग दैट कर्नाटक में कितना डेथ हुआ. 209 पूरा डेथ है, उसमें 120 प्लस इंडिया से है, बट उनको जानना है कि बैंगलुरु में कितना हो रही है, या उनको जानना कि तमिलनाडु में कितना हो रही है. सो वो डेटा भी हमने पब्लिक कर जी लिया. क्या मानते हैं, क्या है सबसे बड़ा कारण ये ऐसी घटनाओं के पीछे? सो आई थिंक हम एटलीस्ट हमारे मेरे रिसर्च ग्रुप अब हमारी रीजन ये है सोच रहे हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, दीज आर द प्रॉब्ली मेन टू रीजन्स वाई आज की तारीख में सबकी वैल्यू इज इवेलुएटेड ऑन योर सोशल कैपिटल, राइट, विच इज हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, हाउ मेनी लाइक्स डू यू गेट, हाउ मेनी शेयर्स आर यू गेटिंग, दैट्स वॉट पीपल आर काउंटिंग. सो उसी की वैल्यूज को लेके ही आपकी वैल्यू माना जाते हैं आज. सो दैट्स सो दैट अगले नहीं पिछले 1-2 साल में आपने जी कभी भी पेपर निकाल के किसी सेलिब्रिटी को देके सिग्नेचर ऑटोग्राफ लिया? अभी तो सिग्नेचर पेपर में निकालना ऑटोग्राफ लेने का तो कर ही नहीं रहा, कुछ भी है जी तो सेल्फी ले लेते हैं और वो सेल्फी को एक्चुअली पोस्ट कर लेते हैं. सो दैट्स मेन रीजन आई थिंक. वाकई वाकई चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है दर्शकों के, किस प्रकार से हमारा देश इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन केस ऑफ सेल्फी डेथ्स. अगर आपके पास भी सेल्फी और सेल्फी से हुए किसी मिसहैप, किसी एक्सीडेंट से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा. आप हमें टेलीफोन लगाकर हमारे जो आज पैनलिस्ट हैं उनसे उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं. हमारा नंबर 2309-7532 है. अगर दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड यानी कि 011 ज़रूर लगाएं. डॉक्टर कुमार गुरु, ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया, इसका फिर कैसे क्लासिफिकेशन किया और फिर कैसे आप फाइनल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पर पहुंचे? हाँ, सो एक तो हमारी पूरा रिसर्च है 4 पार्ट्स चल रही है अभी भी. सो एक पार्ट है डेटा कलेक्ट करना, क्रॉलर बना के डेटा निकाल के रखना. दूसरी पार्ट है उसकी एनालिसिस करके ऐसे स्टेटिस्टिक्स निकालना, मेल वर्सेस फीमेल, कौन सा स्टेट. अभी एक्चुअली इफ यू सी इवन फ्रॉम 2000, सो द फर्स्ट डेथ हैपेंड इन 2014 मार्च अप्रैल फर्स्ट डेथ ऑफ सेल्फी रिपोर्टेड वन. सो तब से इफ यू सी द ग्राफ 2017 तक बहुत ही ऑलरेडी बहुत सारा डेथ्स हो चुके हैं. सो दैट्स द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट हम ये कर रहे हैं कि सेल्फीज जो भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में उन सबको कलेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर, हैशटैग सेल्फी में जो भी पोस्ट हो रहा है इन सब सोशल नेटवर्क में हम वो कलेक्ट करके उस पिक्चर्स को एनालिसिस कर रहे हैं कि सेइंग दैट बिकॉज हमारी पहले वाला रिसर्च से ये पता चल रहा है कि हाइट, वाटर बॉडी, ट्रेन, व्हीकल, गन, देर आर मेनी रीजन्स वाई पीपल डाई. सो इन सब रीजन्स उसमें आ रहा है क्या क्या रीजन की वजह से कौन सा पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं वो एनालिसिस करके देन वी बिल्ड अ क्लासीफायर विच इज टू से दैट इफ यू टेक अ पिक्चर, आपने कुछ पिक्चर लिया उसको ट्विटर में पोस्ट करा, आई कैन ईजिली से दैट वेदर इट इज अ डेंजरस लोकेशन और नॉट. सो वो हमारी थर्ड है. फोर्थ वाली है, हमने एक ऐप भी बनाई है बोथ फेसबुक चैटबॉट और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, जो ऐप यूज करके आप कौन सा लोकेशन डेंजरस मार्क कर सकते हैं
एंड बाई द थर्ड पार्ट विच इज इंस्टाग्राम पिक्चर्स वगैरह लेके हम एक्चुअली वो भी बिल कर रहे हैं कि एक पिक्चर आप ट्विटर में पोस्ट करेंगे उस ट्वीट्स के बगल में हम ये भी दिखा सकते हैं ये कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस लोकेशन है या कितना क्या रेमेडीज है, चूंकि समस्या बड़ी गंभीर समस्या है तो इसको कैसे निपटा जाए। कोई जो आप जैसे कि आपने एप्लीकेशन के बारे में बताया, थोड़ा विस्तार से बताएं ये एप्लीकेशन क्या करता है और कैसे ये सेल्फी डेथ्स को हम रोक सकते हैं। सो पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट आई नीड टू नो एवरी लोकेशन इन द वर्ल्ड विच इज डेंजरस और नॉट। ओके राइट, सो दैट कंप्यूटेशनली थोड़ा कर सकते हैं बट क्राउडसोर्स करेंगे तो और बहुत ही इजी और वैल्यूबल होगी। जैसे आप कहीं लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं आपको पता चल रहा है ये लोकेशन इज एक्चुअली डेंजरस, सो सेफ्टी ऐप है हमारी, सो facebook.com/safety SAFTI इस चैट बॉट, उस चैट बॉट में जाके आप सिर्फ हाँ ही बोलेंगे वो बॉट ऐसे मैसेज भेजेंगे कि इस लोकेशन को आपको मार्क करना है क्या डेंजरस, सो वो रीजंस भी दिखाएंगे बिकॉज जैसे मैंने पहले वाले में करा था वो 5 या 6 रीजंस भी बताएंगे वाटर बॉडी हाई ट्रेन ऑल दैट, तो आप मार्क कर लेंगे कि लेट्स टेक आई मेट्रो स्टेशन है लेट्स टेक आई एम ऑन अ हिलॉक, तब वो लोकेशन में हाइट रीजंस की वजह से ये डेंजरस मार्क कर सकता हूँ, सो वो डेटा हमारी पीछे सर्वर पे आ जाएगा। क्या कोई भी इसे डेंजरस मार्क कर सकता है? नहीं, कोई भी तो मार्क कर सकता है बट हमने जहां पे वेरीफाई करने के लिए रखा बिकॉज एज यू राइटली थिंक राइट कोई भी मार्क कर सकता है वो डेंजरस हो जाए, मेरे घर पे भी मैं डेंजरस मार्क कर सकता हूँ विच इज नॉट प्रोबेबली नेसेसरी, सो हमने ये करा कि 3 लोग एक ही लोकेशन को जब मार्क करेंगे डेंजरस तभी वी विल एक्चुअली वेरीफाई इट एज डेंजरस लोकेशन, सो दैट इन्फॉर्मेशन नाउ इज अवेलेबल। सो अभी तक के लिए हमने 1000+ locations को dangerous mark verified भी कर चुके हैं, so ये locations India में भी है outside India में भी है, so इस locations को जैसे हम जो Facebook और application जो बना रहे हैं उसको ये input होगा, and it is not only हमारे सिर्फ हमारा application से data use नहीं कर सकते हैं, कोई भी अभी application build कर सकते हैं dangerous locations के बारे में, and we can actually feed this information to them, and because there are many deaths are happening for various other reasons, selfie death is one, but then driving के लिए हाईवे स्पीड की वजह से टर्निंग की वजह से सो एवरीथिंग बिकम्स डेंजरस नाउ, सो यू कैन मार्क ऑल दैट लोकेशंस इज डेंजरस एंड उसको लेके हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। नॉट ओनली सेल्फीज कुमार गुरुजी, कई बार अभी इन दिनों देखा जा रहा है कई सारे यंगस्टर्स, चूंकि बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ने एप्लीकेशंस ने एक लाइव वीडियो का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया है, कई सारे युवाओं को देखा जाता है गाड़ी चला रहे हैं अपने मित्रों के साथ हैं और लाइव वीडियो जो है ऑन करके रखते हैं, कैमरा उनके एक हाथ से वो ड्राइव कर रहे होते हैं और एक हाथ में जो है कैमरा होता है, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए भी क्या ये एप्लीकेशन मदद करेगा? हाँ, ये एप्लीकेशन मतलब ये डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो तो यूज ही होगा बिकॉज डेटा तो ये मार्क कर रहा है कि ये लोकेशन है इस लोकेशन के डेंजरस है। एक्चुअली जो हमने डेटा कलेक्ट करा इंस्टाग्राम और ट्विटर में वगैरह उसमें एक और एनोटेशन भी हमने करा था ये वाली की वाइल ड्राइविंग इन द व्हीकल पिक्चर्स, बहुत सारा वीडियो तो कर ही रहे हैं बट पिक्चर्स भी डाल रहे हैं कि सेल्फी ले रहे हैं और कार में है जी, तो दैट आल्सो वी कैन एनालाइज ऑन, सो टुडे टेक्नोलॉजीज इज अवेलेबल जो फोन में भी मैं मशीन लर्निंग अप्लाई करके आई कैन एक्चुअली डिटेक्ट वेयर दे आर टेकिंग अ पिक्चर वेदर इट इज डेंजरस और नॉट। क्या लगता है आपको कैसे अवेयरनेस बिल्डअप करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन है नो डाउट बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आपका, रिसर्च में कई सारे ऐसे डेटा सामने आए हैं जो जाहिर सी बात है बड़े खराब डेटा है हमारे भारत के लिए खास तौर पर, तो कैसे अवेयरनेस बिल्डअप करना चाहिए? सो फर्स्ट तो जब मैंने रिसर्च शुरू करा था ये तो पता ही नहीं था कि इंडिया टॉप होने वाली है, सो हमने तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिकॉज वन ऑफ द इंसिडेंट दैट ट्रिगर्ड मी टू स्टडी दिस प्रॉब्लम वाज वन डेथ दैट हैपेंड इन बॉम्बे which actually is mom gave a I'll keep the story short mom gave the smartphone to its to her son on his birthday, he went with his friend to a railway, he was supposed to be in school jana sath tab unki mitra ke sath railway station gaye the aur wahan pe train pe hit hoke the kid died and the friend went back home without telling anybody and this information the mom did not get to know this information for 2 days and she had only kid, so this kind of incidents, even though I think computer meaning as trained computer scientist we can actually look at this societal problem and actually solve with our computing skills, so jo humne app banaya tha awareness create karna we can do it in many ways right, for example thanks to this program itself it's creating awareness among people jo application use kar sakte hai first and there can be awareness created at schools jo
स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को जब पिकनिक में वगैरह भेजते हैं, नाउ पेरेंट्स कैन एक्चुअली गेट टू नो वेयर माय किड इज गोइंग फॉर पिकनिक. सो अगेन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस विल हेल्प एंड टीचर्स कैन आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन स्कूल. एवरी स्कूल हैज अ सोशल साइंस कंपोनेंट. एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज, एवरी हाई स्कूल, एवरीबडी हैज सोशल साइंस. सो दे शुड टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन द because social network has become an important thing and through social network we are getting to have these kind of problems also. koi ek aadha aise selfie incidents aap share karna chahe jaise ki hamare darshakon ko bhi seekh mile yahan aaj itne sare yuva aaj hamare sath karyakram mein jude hain sath hi hamare darshak jo hai desh bhar se is karyakram ko dekh rahe hain kahin na kahin darshakon aapko bhi samajhne ki avashyakta hai ki kahin ye selfie lene ka shauk आपके परिवारजनों को विलाप करने पर मजबूर ना कर दे, कहीं सेल्फी जो है किसी व्यक्ति के मौत का कारण ना बन जाए, ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ ज़रूर साझा करें तो बड़ा अच्छा लगेगा. कुमार गुरुजी के कैसे सेल्फी लेने में किसी व्यक्ति ने जान दे दी, कैसे जान चली गई? सो कपल ऑफ जब हमने डेटा कलेक्ट करा, एक तो टाइप ऑफ इंसिडेंसेस जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा एंड इट इज अ नॉन मोर देन वन डेथ्स आल्सो. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स. लेट्स जस्ट अस्यूम, गिव मी अ पेन. सो दिस इज द फोन एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी. ऐसे सेल्फी ले रहा है एंड ये गन है एंड दे वॉन्ट टू टेक अ सेल्फी विद द गन. Other non-zero deaths that has happened is also is the zoo he falls into and the snake bites him, right? So these are type of some incidences that are very triggering. The other major incidences are high is the only country jahan pe more than one deaths have happened in the same incident. So wo bhi interesting statistic hai. Across the world selfie deaths have happened. India is the only country where ek death mein 7 log marte hain saath saath. Because ye hillock in south india and 6 log niche lete hain ek ek haath pakad ke. सातवां बंदा भी हाथ पकड़ के सेल्फी ले रहा है. ही स्लिप्ड एंड ऑल द सेवन स्लिप्ड ऑन द स्पॉट, ऑल सेवन डाइड एंड इट वाज जस्ट अ सेल्फी दैट वाज द कॉज. सो इमेजिन द एस्पिरेशंस और इमेजिनेशंस ऑफ द पेरेंट्स. फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अभी एट सेमेस्टर अभी खत्म कर रहे थे एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री. जैसे ये देर वॉज अनदर इंसिडेंट विच हैपेंड इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो वेयर 8 बच्चे जब वाटर बॉडी में बोटिंग कर रहे थे वो स्लिप होके 6 लोग मर गए थे इसमें. सो डोंट यू थिंक कुमार गुरुजी की टेक्नोलॉजी, जहाँ तक हम बोलते हैं ये हमारी रक्षक है, ये भक्षक होती जा रही है. टेक्नोलॉजी इजंट रिपेयरिंग अस, रादर इट इज इम्पेयरिंग अस. नो बट आई थिंक टेक्नोलॉजी को यू शुड यूज इट इन अ वे इट इज डिजाइंड और इन अ वे इट इज. सो बिकॉज सोशल नेटवर्क में सबसे ज्यादा दो रीजन है वाई सोशल नेटवर्क में जो पॉपुलर हो रही है वो टेक्नोलॉजी की बेसिस है. एक तो वैनिटी है कि मुझे दिखाना कि मैं अभी किसके साथ हूँ. अमिताभ बच्चन आ गया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में और विराट कोहली आ गया, मुझे सेल्फी लेके सिर्फ फेसबुक में डालना बिकॉज माई फ्रेंड्स नीड टू नो दैट. दैट्स वैनिटी. सेकेंड इज पोकिंग इन टू अदर्स लाइफ, राइट? मैं दूसरे को जिंदगी में क्या हो रहा है. यही दो मेन रीजन है सोशल नेटवर्क किंग वेबसाइट्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. सो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, सो इफ यू सी उसको संभाल के यूज करना एंड यूज इट फॉर द बेनिफिट. मीनिंग देर आर मेनी मेनी गुड रीजन्स व्हाई यू कैन हाउ यू कैन यूज फेसबुक एंड बिकम मोर पॉपुलर. आज की तारीख में इफ यू सी फेसबुक को प्लेटफॉर्म बना के बहुत सारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस बन चुकी है. So that is good things that you can do. So Dr. Kumar Guru, chalte chalte kya kya message dena chahenge hamare darshakon ko, youngsters ko aur aise tamam logon ko jo selfie lene ke jo hai addict ho gaye hain, kyunki selfie lena jo hai aajkal ek mental disorder bhi mana ja raha hai. To kya suggestions dena chahenge, kya kya sandesh dena chahenge? And one more thing we also found is that the selfie lena बहुत लोग सेल्फी जो पोस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा सेल्फीज लेते हैं, मगर जो पोस्ट कर रहे हैं वो कम
सेल्फी सी पोस्ट कर रहा है. सो माय सजेशन वुड बी बी से मीनिंग दीज आर जेनरिक वंस आई गेस इन टेक्नोलॉजीज, बी सेफ एंड देन मेक यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज फॉर योर बेनिफिट एंड बी अवेयर of what is going around you also. जी. Because that is one of the important thing that happens. So जो technologies बनाने में हम जब plan कर रहे थे तब भी एक और suggestions भी we were thinking of doing is build a technology. अभी भी सोच रहे हैं कि build a technology which जब मैं selfie ले रहा हूँ सेल्फी लेने के समय वो टेक्नोलॉजी मुझे बता सकता है अभी ये डेंजरस लोकेशन या नहीं, रेड सर्कल ब्लू ग्रीन सर्कल टाइप्स. सो वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे वाला टेक्नोलॉजीज और भी हो सकता है. सो वो ऐसे वाला टेक्नोलॉजीज को यूज करके बी सेफ एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड यू. कुल मिलाकर बी सेफ इंडिया, क्योंकि सेल्फी डेथ के आंकड़े जो है बड़े खराब है. कुमार गुरुजी, आपने इतनी सारी बातें साझा की, आपकी वजह से कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी फैली होगी, हमारे दर्शक भी अवेयर हुए होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. थैंक यू. तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी. स्वच्छ होगा भारत, स्वस्थ होगा भारत, इसी आशा के साथ दीजिए.